ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है, जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको इस 30 मिनट में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज बच्चे कहानी सुनेंगे, कहानी के बाद एक गीत और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र शास्त्र यानी बाइबल से परमेश्वर का वचन होगा। तो श्रोताओं, आइए बच्चों की कहानी सुनने से पहले इस गीत को सुनते हैं।
प्यारे बच्चों, तो मैं उषा आंटी का नमस्ते। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है सोना और मिट्टी। किसी गांव में एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों त्यागी और संयमी थे, लेकिन उनमें थोड़ा अंतर था। पत्नी अपने त्याग और ईमानदारी का ढिंढोरा नहीं पीटती थी, जबकि पति अपने गुणों का खूब बखान करता था। दोनों जंगल से लकड़ियां काटकर गुजारा करते थे। एक बार लगातार 3 दिनों तक बारिश होती रही, वे लकड़ियां नहीं काट सके। 4th दिन बारिश थमने पर वे लकड़ियां काटने गए। लौटते समय पति आगे था और पत्नी कुछ पीछे। पति को एक थैली मिली जिसमें स्वर्ण मुद्राएं थी। पति ने सोचा, अगर इसे पत्नी ने देख लिया तो उसे लोभ आ जाएगा, इसलिए उसे छिपाने के लिए जल्दी जल्दी गड्ढा खोदने लगा। तभी पत्नी आ गई। उसने पूछा, ये क्या कर रहे हो? पहले तो पति ने सोचा, इसे झूठ बोलूं। फिर सोचा, झूठ बोलना ठीक नहीं है। उसने कहा, मैंने सोचा कि स्वर्ण मुद्राएं देखकर कहीं तेरे मन में लोभ न आ जाए, इसलिए इसे छिपा रहा था। पत्नी हंसकर बोली, तो तुम्हें अब भी सोना और मिट्टी में भेद दिखाई पड़ता है? तुम तो मुझसे बार बार कहते थे कि सोना मिट्टी है। शायद वह बात सच नहीं थी। यदि होती तो मिट्टी को सोना मानकर मिट्टी में क्यों दबाते? थोड़ा शर्म करो। अगर सोना मिट्टी है तो फिर मिट्टी में मिट्टी को क्या दबाना? अगर सोना मिट्टी नहीं है तो दबाने से क्या होगा? सोना तो सोना ही है, मुझसे क्यों डरते हो? मैं तो बहुत पहले ही सोना और मिट्टी के अंतर को भूल चुकी हूँ। तुमने मेरे डर से लोभ छोड़ा, मगर मन से नहीं छोड़ पाए। पति सोने की मुद्राओं से भरे थैले को वहीं छोड़कर पत्नी से बोला, तुम ठीक कहती हो, मैंने सोना को सोना ही समझा, मिट्टी नहीं। पत्नी बोली, अभी तो हम हंसी खुशी एक साथ रहते हैं। जिस दिन हमारे अंदर लोभ आ जाएगा, हमारी खुशी हमसे छिन जाएगी। इतना कहते हुए पत्नी आगे बढ़ गई। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि तुम्हें यह कहानी पसंद आई। अगर आपके पास भी कोई कहानी हो तो हमें लिख भेजें। नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। श्रोताओं, इससे पहले कि हम परमेश्वर का वचन सुनें, आइए ये गीत सुनते हैं। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। आकाश
आकाश के नीचे लोगों के बीच में और कोई नाम नहीं है। परमपिता से मिलने के लिए और कोई राह नहीं है। यीशु ही है एक द्वार, उसी में है जग का उद्धार। यीशु ही है एक द्वार, उसी में है जग का उद्धार। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम। दुनिया में हालेलुया, सारे प्रश्नों का उत्तर केवल यीशु के पास है। वो सब असंभव को करता संभव, वो सर्वशक्तिमान है। नहीं कोई उसके समान, यीशु है सबसे महान। नहीं कोई उसके समान, यीशु है सबसे महान। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम। दुनिया में हालेलुया, से क्यों है डरता, उसको तेरा ध्यान है। वो सारी चिंता बोझों को हरता, जीवन खुशियों से भरता है। भजो प्रभु यीशु का नाम, उसी में है शांति आराम। भजो प्रभु यीशु का नाम, उसी में है शांति आराम। नहीं कोई उसके समान, यीशु है सबसे महान। यीशु है सबसे महान। प्रिय रेडियो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्रों, बाइबल में लिखा है यशायाह 60:1-2 वचन में, जो परमेश्वर का वचन है, या लिखा उठ प्रकाश मान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर जो अंधेरा, राज के लोगों पर घोर अंधेरा छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा, उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। मित्रों, जिस प्रकार सूर्यमुखी निरंतर अपने खिले हुए फूल सूर्य की ओर करती है, उसी प्रकार आपके विचारों को यीशु की ओर फेरे, जो धार्मिकता का सूर्य है। अपने को केंद्र मत बनाइए, न अपनी खुशियों और इच्छाओं को पहले रखिए। दूसरों की भलाई खोजिए, उनके लिए आशीष होने का अध्ययन कीजिए। स्वार्थ पर काबू पाने का यही एकमात्र उपाय है।
यदि आप अपने रुचियों को पहला स्थान देंगे तो आत्म प्रेम एक चिंता आकर्षण का अनुराग होगा। इसमें से बड़ी बुराइयां उत्पन्न होगी, जैसे सर्वश्रेष्ठता का प्रेम, बहुत भला होने का विचार। चाहे आप अच्छा ख्याल चाहते हैं या नहीं, ये आकांक्षित इच्छाएं शैतान से आरंभ हुई। उसके चरित्र में प्रभु के सिद्धांत है। पतन के द्वारा उसकी निरंतर परछाओं के प्रभाव से लोग चरित्र इरादों खोज में उसी तरह हो गए। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि आज मनुष्य अपने ऊपर गर्व करता है कि मैं वो हूं या मैं वो हूं। अपनी सुंदरता पर, अपनी शिक्षाओं पर, अपनी दूसरे चीजों पर जो उसने प्राप्त की है वो घमंड करता है। लेकिन हम देखते हैं बाइबल में परमेश्वर कहता है कि हम घमंड ना करें, लेकिन हम कहें परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है वो परमेश्वर की ओर से है। अगर फूल सूर्य की ओर अपने आप को ना करे तो खिल नहीं सकता, बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य की रोशनी से ही फूल खिलता है और बड़ा होता है। हमारे जीवन में भी अगर हम विश्वास करें कि हम परमेश्वर से प्रकाश पाते हैं, परमेश्वर हमें प्रकाशवान करता है, परमेश्वर हमें बड़ा करता है, इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। हमें हरेक नपाक इरादे के विरुद्ध हमें युद्ध छेड़ना है, हमारे इरादे गलत ना हो। जीवन की हर अशुद्ध लालसा को कुचल देना है। इस युद्ध को हमें लड़ना ही चाहिए। अगर हम नहीं लड़ेंगे, हमारा जीवन शैतान के कब्जे में होगा। हम परमेश्वर के इतने निकट हो सकते हैं कि हर एक अनपेक्षित परीक्षा विचारों में हम उसी तरह परमेश्वर की ओर मुड़ सकते हैं जिस तरह फूल सूर्य की ओर मुड़ता है। सूर्यमुखी अपना मुख सूर्य की ओर करता है ताकि इसे प्रकाश से मोड़ दिया जाए। वो अपने डंठल पर मुड़ जाएगा ताकि इनकी पंखुड़ियों पर सूर्य की किरणें पड़े। इसलिए हर एक जन जिसने अपना हृदय परमेश्वर को दिया है, धार्मिकता के सूर्य की ओर मुड़े, उत्सुकता से उस महिमा की किरणों को प्राप्त करे जो यीशु के मुख पर चमकती है। मित्रों, परमेश्वर का चमकता हुआ चेहरा और उसका प्रकाश आज आपके सबके मुख पर पड़े, और जो भी कमजोरी आपके अंदर वो सब यीशु के नाम से जाती रहे। मेरे मित्रों, हम सब कमजोर हैं। हमारा प्राण, हमारा पाप से भरा हुआ जीवन को कौन शुद्ध कर सकता है? केवल ईश्वर, ईश्वर ही हमारे प्राणों को बचा सकता है। प्रार्थना में परमेश्वर के पास प्राण को उठाना है, हमारे जीवन को उठाना है। इस प्रकार फूल प्रकाश को मुड़ता है, धार्मिकता के सूर्य की किरणें के तले रहने में स्वस्थ और स्वर्ग है, जो निराशा और अंधकार लाते हैं ताकि हम इनके ऊपर ज्योति में रहें। हरेक लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं उन्हें प्रकाश में चलना है, उन्हें ज्योति में चलना है। धार्मिकता बढ़ती उपयोगिता का धन है। मेरे मित्रों, आप अपने धार्मिकता पर कभी घमंड ना करें, आप अपने धन पर कभी घमंड ना करें,
क्योंकि ये धार्मिकता और ये धन आपको नहीं बचा सकती। यीशु का वो पवित्र लहू आपको बचाता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपें, जो आपको बचाता है। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र जीवित परमेश्वर, तेरा प्रकाश आज हमारे सुनने वाले हर एक लोगों के ऊपर पड़े प्रभु, और तू उन्हें प्रकाशित कर, तू उन्हें बता कि तू अंधकार को दूर करने के लिए इस पृथ्वी पर आया। सब लोग तेरी ओर मुड़े और प्रकाशित हो। हम उनके जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर। मित्रों, आप हमें इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरा ईमेल आईडी है morrisawr@gmail.com, morrisawr@gmail.com। हमें आपके पत्रों का इंतजार है। परमेश्वर आपको आशीष दे।
करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपको कार्यक्रम कैसा लगा अवश्य लिखें। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। श्रोताओं, अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इस मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।